तरह की फिल्में अब तो प्रोडक्शन में सर बहुत ही कम देखने को मिलती है, सीरियस फिल्में देखने को मिलती हैं, ये काफी अब आपने से डिसाइड किया कि अब डिफरेंट करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हाँ बिल्कुल, लोगों का मानना है कि मेरी पहचान जो है या मेरे बारे में लोग जब सोचते हैं तो सोचते हैं कि ये सीरियस पॉलिटिकल फिल्म करते हैं, बट हमारी हर फिल्म में कॉमेडी होती है और इस फिल्म में कमाल की कॉमेडी है। मैंने अपनी समझो विचार में से पॉलिटिक्स निकाल दी और कॉमेडी छोड़ दी, क्योंकि पॉलिटिक्स में आजकल बहुत कॉमेडी होने लगी है। तो टू कम टू द पॉइंट, जब मैंने ये कहानी पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, जब दिशा और कनिष्क लेकर के आए इस कहानी को, उन्होंने कहा फ्रॉड सही है, ये क्या है भैया, आप पढ़िए कहानी, हमने सोचा है कि इस एक्टर के साथ काम करना है, आपको अगर स्क्रिप्ट अच्छी लगेगी तो बात करें। पढ़ के मैं हैरान रह गया कि मतलब कोई ऐसा सोच कैसे सकता है, इस तरह के सीन्स कैसे सोच सकता है, ऐसे कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं। और कमाल की जो चीज़ है, क्योंकि वो जो होता है ना कि कॉमेडी में भी एक जुगाड़ होता है, ये नेटिव इंटेलिजेंस जो है वो जगह की अपनी इंटेलिजेंस के, बनारस वाला आदमी जो है वो ऐसे करेगा, जौनपुर का आदमी इस तरह से करेगा, गोरखपुर का आदमी कुछ और करेगा, मथुरा का आदमी जो है वो कुछ और करेगा, और उसी इलाके की ये कहानी है। तो मैं हैरान रह गया क्योंकि बहुत ही कमाल की चीज़ थी और कमाल का कैरेक्टर था ये। और ये जब दोनों अरशद और सौरभ मिल गए तो सोने में सुहागा, बहुत मज़ा आया। फिर मैंने डिसाइड किया इसको बैक करने का और प्रेजेंट करने का। और हमारे यहाँ से तो मैंने हर तरह की चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, क्रेजी कुकर फैमिली भी प्रोड्यूस की है, दिल दोस्ती एट्सेट्रा भी प्रोड्यूस की है, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा भी, मतलब हर फिल्म बनाने वाला मेरे जैसे ही सोचे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मेरी अपनी सोच, मेरी अपनी समझ, मेरी कहानियाँ थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ कॉमेडी को और मैं हंसना चाहता हूँ, और भगवान ना करे कि कोई हंसना भूल जाए, क्योंकि अगर हम ना हंसें तो ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही तो कमाल था कि मतलब हम लोग फ्रॉड बोलते रहते हैं अपने आदमियों को, लेकिन उसके साथ प्यार भी करते रहते हैं। तो ये प्यारा कैरेक्टर, ये भोला है, उतना भोला नहीं है जो कैरेक्टर है अरशद वारसी का, लेकिन फ्रॉड जरूर है, भारी फ्रॉड है। टैगलाइन भी है, सब सब मत कुत्ते नहीं कुकट करके है। अब ये बॉर्डर लाइन पे है, इसकी बात आप समझती हैं, आप समझ लीजिए।